मोइनुद्दीन की पीढ़ी गए, गयासुद्दीन की पीढ़ी गए। तो ये सफाई हो रही, क्लींजिंग, इसको क्लींजिंग बोलते हैं, आपके दिमाग से सफाई हो रही, सामान्य दर्शकों के दिमाग से सफाई लगातार की जा रही, और उसका भय इतना खड़ा हो गया है कि आप देख लें कि जब चुनाव होता है तो उस 15 करोड़ आबादी की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो भी अब उस पर भी कोई बात करने वाला नहीं मिलता है, वो खत्म कर दिया गया। एक दिन मैं ऐसे ही बैठ के एक अखबार का विश्लेषण करने लगा, हिंदुस्तान नाम, और उनके संपादक का नाम मुझे मालूम, शशि शशा, बहुत ही औसत किस्म का अखबार है, बोला जाना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे ही बहुत गालियां सुनता रहता हूँ, और बहुत ही औसत और घटिया किस्म का अखबार है, तो अच्छा कोई बात नहीं। मेरा चैनल पे वो कहते हैं कि आपका तो नहीं अच्छा होगा, तो नहीं अच्छा है, लेकिन नहीं है तो आप कहिए नहीं अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बताया तो हफ्ते भर उसका विश्लेषण किया, एक दिन 85 खबरें देखी उसकी, बड़ा अखबार हिंदी के पाठकों तक पहुंचता, आप ही लेते होंगे, जब तक हम ये नाम लेके नहीं बात करेंगे हम किसी समस्या के मूल में नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। ठीक है कि उन्होंने 2-3 हजार पत्रकारों को नौकरी दी होगी, हमने एक की भी नहीं दी, बात तो करना पड़ेगा, उनके अखबार का विश्लेषण तो करना पड़ेगा उनके नाम से। तो 85 खबरों का विश्लेषण किया, 5 या 7 खबरों में नाम था, बाकी किसी में नहीं। कई प्रकार के उस संवाददाताओं के नाम ले आए हैं, हीटी संवाददाता, विशेष संवाददाता, प्रमुख संवाददाता, फलाना प्रधान संवाददाता, प्रधान संवाददाता है, मुख्य संवाददाता और प्रमुख संवाददाता, कई तरह के संवाददाता पैदा किए, लेकिन किसी का नाम नहीं। मैं मान ही नहीं सकता कि हिंदी का पत्रकार और उसके पास भीतर की कोई खबर ना हो, कोई नहीं सकता। लेकिन उसने कोई खबर नहीं की, उसकी एक खबर की विश्लेषण किया ताकि मैं बताना चाहता हूं। नोटबंदी चल रही थी उससे पहले कई पत्रकार फोन करते थे कि पहला पन्ना तो भाई साहब रिजर्व हो गया, सपना दिखाना है, और जो लोगों की परेशानियां है वो 8वें नंबर पर छप रही है। आप कभी तो रिसर्च करेंगे ना, कभी तो जाएंगे लाइब्रेरी में, आर्काइव में देखने के लिए कि नोटबंदी के समय हमारे हिंदी के अखबारों ने हिंदी जनमानस के साथ क्या किया, उसको लेकर जितनी भी आलोचनात्मक रिपोर्ट आई आप जाकर देखें कि उन अखबारों में क्या स्पेस था। अखबार की बात करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मुख्य अखबार है वो आप जाकर देखें कि उन्होंने वो स्पेस दी कि नहीं दी। इसीलिए कहता हूं कि हिंदी के अखबार हिंदी के पाठकों की हत्या कर रहे हैं। अगर आप अपने पाठकों तक सूचनाएं नहीं पहुंचने दे रहे हैं तमाम तंत्र होने के बाद भी, तो ये सूचना विहीन स्थिति आप बना रहे हैं, और ये भी एक हत्या के बराबर है। मैं उस अखबार का बताना चाहता हूं, आ रहा हूं, कहीं से ठीक लिख के लाया हूं। क्योंकि हम सब डर गए हैं दूसरे से, इनके बारे में कह देंगे तो अपना लोग लगा देंगे, ये लोग लगा देंगे, लगा दें जहां पे लगाना है, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी तो पूछना पड़ेगा कि आखिर इतना बड़ा अखबार है, इसमें किसी रिपोर्टर का नाम नहीं है, इसके पास अपनी कोई खबर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों हो रहा है। उस अखबार के सब एडिटर एडिटर जब उस बिल्डिंग में घुसते हुए कस्तूरबा गांधी मार्ग को, तो गांधी का नाम तो दिखता होगा ना, आप कल से उस अखबार को देखें, समय नहीं है संसाधन नहीं, तो मैं 100 अखबारों का उदाहरण लेकर आता यहां। लेकिन उनको भी सभा मिलती होगी, 2-3 हजार पत्रकारों को नौकरी दिए होंगे, तो ऐसे ही भर जाए। आप उस अखबार की जो रफाल मामले पे जो उस अखबार ने जगह दी, कमाल का, आप उसको स्टडी कीजिए, स्पेस के हिसाब से उस अखबार ने उस खबर को खूब जगह दी, पूरा पहला पन्ना भरा हुआ था, और यही नहीं बताया कि विवाद क्या है।
उसका हेडिंग था कि रफाल पर नए खुलासे से टकराव। ये उस दिन की खबर है जब एनरॉन ने अपने हिंदू अखबार में छापी थी ये खबर कि डिफेंस मिनिस्ट्री का एक नोट है जिसको लेकर संसद में बयान हुआ, फिर एएनआई से पूरी लिस्ट आई थी, पूरा नोट आया था उसमें आया था और काफी मोटे अक्षरों पे उसमें लिखा हुआ है कि रफाल पर नए खुलासे से टकराव, यहाँ से लेके वहां तक उस अखबार में खबर। नया खुलासा क्या है इसकी कोई जानकारी नहीं, इसका खुलासा है ये भी जानकारी नहीं है। पहले पैराग्राफ में सिर्फ एक पंक्ति है कि एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रफाल सौदे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप किया था। रिपोर्ट ये नहीं थी इमरान की, उन अधिकारियों ने यह कहा था कि पीएमओ हम सबको अंधेरे में रखकर अपनी तरफ से डीलिंग करने में लगा हुआ है। तो अखबार ने आपको सूचना नहीं दी, वो खबर छापी रफाल पर। देखिए ये कोई जान अनजाने में नहीं हो रहा है। अब योग्य पत्रकार तो वहां भी होंगे, अब उस पत्रकारिता के स्किल का इस्तेमाल किस चीज में हो रहा है? इस स्किल का इस्तेमाल इस चीज में हो रहा है कि आप तक खबरों की समझ हम नहीं बनाने देंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, हम एडिटर हैं, 500 एडिशन है मेरे अंडर में, आप कुछ भी कर लीजिए, मेरे धौस से कोई बोलेगा नहीं। तो सब हम ही से पूछिएगा, किसी से शशि शेखर जी से भी पूछिएगा। इतने दिन संपादक रहे, कभी पत्रकारिता भी तो दिखाई उस अखबार की, क्या पत्रकारिता है कि नहीं पूछेंगे या नहीं हिसाब करेंगे? तो फिर हम बहस क्या कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता को लेकर? जब हम जागरण के एडिटर का नाम लेकर अगर हम चर्चा नहीं कर सकते तो हम बहस क्या कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता? फिर हमें इस सवाल को छोड़ देना चाहिए। तो वो लिख रहे हैं, एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राफेल सौदे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप किया, और आगे की सारी खबरों में जो खंडन हुआ है सरकार की तरफ से और जो बयान आए हैं उसको प्राथमिकता दी गई। पहले पन्ने पर दो बयान है, दो खंडन, उसी से जगह भर गई। पहले पन्ने के नीचे और आखिरी के हिस्से में बेहद बारीक फॉन्ट से, बल्कि सबसे छोटे फॉन्ट में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हाईलाइट किया गया, क्या था मामला, इतनी छोटी। जिस खबर को हिंदू ने इतने बड़े में छापा था उसको उन्होंने तीन लाइन में चश्मा लगा के भी देखेंगे तो नजर नहीं आया। आप उस अखबार का क्या, मैंने अपने फेसबुक पे लगाया है, जाकर देखिए। और ये पैटर्न है, हिंदी के पाठकों की हत्या का पैटर्न है। करोड़ों पाठक जो अखबार को पढ़ रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन उन तक कोई सूचनाएं नहीं पहुंच रही। आप अगर रफाल की खबर खोज के नहीं ला सकते तो जिसने लाया है कम से कम जो विवाद आप छाप रहे हैं वो तो डिटेल में बता दीजिए, पर आपने नहीं बताया। अखबार ने अपनी तरफ से कुछ अगर आप देखें तो लिखा कि तो विशेष संवाददाता ने खबर की शुरुआत में पहले पैराग्राफ में सिर्फ एक पंक्ति में लिखा कि रफाल सौदे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप किया। बाकी सारी खबर राहुल और निर्मला के बयान पर लिखी जाती है, दोनों के बयान को अलग से बक्से में तस्वीर के साथ जगह दी जाती है। निर्मला सीतारमण के बयान का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था एनराम और हिंदू पर हमला। जब रक्षा मंत्रालय की फाइल का जब पूरा नोट सार्वजनिक किया गया तब तो अखबार को डिटेल में बताना चाहिए था कि पहले ऊपर क्या लिखा था और नीचे क्या लिखा था। अगर उन अखबारों में पत्रकारिता हो रही होती तो उस विशेष संवाददाता की क्लास लग जाती और न्यूज एडिटर के भी क्लास लग जाती। ये तो बेसिक बात। ये भी समझाना पड़ेगा, कोई बात इसलिए नहीं कही जाए कि लोग आपसे पूछ रहे बताइए 84 में आप कहां थे, नहीं थे पत्रकार 84 में, अभी हुए तो अभी सवाल पूछ रहे। हम क्या करें, हमको आज एंकर बनाया तो हम आज पूछ रहे हैं, आज का हम पूछ रहे, हमको कल का पता नहीं है कि हम एंकर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कितना बड़ा अखबार, और जब मीटू का घटना हुआ तो एमजे अकबर की खबरें चल रही थी और रोज रात को मैं अपने कार्यक्रम में बताता था कि जिला संस्करण के तीन तीन चार चार प्रमुख अखबारों में वो खबर नहीं होती थी एमजे अकबर के बारे में, लेकिन आलोकनाथ के बारे में खबर होती थी। वो मीटू कैंपेन था पर सरकार के एक मंत्री के खिलाफ पत्रकारिता के ही से जुड़ी 20-22 लड़कियां आरोप लगा रही थी लिखकर,
उसका कोई डिटेल नहीं था एक दो अखबारों को छोड़कर। और जब मंत्री जी आया और उन्होंने खंडन किया तब उन अखबारों में जिसमें मीटू की खबर एमजी अखबार वाली नहीं थी वो बड़े में छपती। ये किसी एक दिन अचानक नहीं हो रहा, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा, बल्कि हर दिन हो रहा, हर दिन हो रहा। आप सभी जागरूक नागरिकों को इन संपादकों को पत्र लिखना चाहिए खुशामद के लिए तरकीब तहजीब होती है। इतना ही उठाना है तो जरा लज्जत से उठाइए साहब। अगर इसी स्थिति में पहुंच जाना है, इसको नहीं बोलना है तो सब खत्म मान लेते, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्यों नहीं? उस अधिकारियों ने तो हर स्तर पर आपको सूचना की, एक तरह से सफाई की गई। आपको लगता होगा कि अलग अलग माध्यमों में आपको सूचना का विकल्प मिल रहा है, दरअसल नहीं, उन्होंने सारे विकल्पों को दो तीन भावों तक सीमित कर दिए हैं, आपको सूचनाएं नहीं मिल रही। यही हमारी हिंदी पत्रकारिता ने किया, उसने सवाल पूछने वालों पर पहले हमला किया और हमला करते करते उसने सवाल पूछने की अपनी जिम्मेदारी से तौबा कर लिया और ये लोगों को बता दिया कि पूछने का मतलब देखो तुम पूछ रहे हो तो तुम अर्बन हो, अर्बन नक्सल हो, हम कैसे सवाल पूछें? चीनी चाशनी लगाकर सवाल पूछे जा रहे हैं, यही हमारी पत्रकारिता है। अगर ये दब्बू नहीं है तो क्या है? ठीक शब्द तो काया है। तो इस स्थिति में हम क्यों पहुंच रहे हैं? और ये रोज हो रहा है। आप किसी भी कभी न्यूज चैनल को आप चलाकर देखिए कि सूचनाओं के पूरा एक इंफॉर्मेशन लेस स्थिति, और आप इस डेमोक्रेसी में एक्सक्लूड किए जा रहे हैं दूसरी तरीके से। जब सूचना ही नहीं है तो फिर वो जागरूकता किस बात की? इतने सारे न्यूज चैनल है, कहीं भी अब आप देख लीजिए एक से खबरें होती थी, सब बंद, डिबेट सजाओ, दंगल, हल्ला बोल, राजनीति, रणनीति। और उस डिबेट का टोन क्या है, क्वेश्चन किसकी तरफ से पूछा जा रहा है? ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो वो विपक्ष को एक तरह से शिकार करने के लिए सारे टोन, उसकी जो भाषाएं लिखी जाती हैं। पुलवामा मामले में तो ये निर्लज्जता की सारी सीमाएं भाई लोग पार कर गए और राष्ट्रभक्त बनने आए थे। तो धीरे 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 हमारी पत्रकारिता जो इतनी अच्छी थी, बहुत कमियां थी हिंदी पत्रकारिता में, पर इतना बुरा हाल कभी नहीं था कि पत्रकारिता का पूरा व्यक्तित्व उछल दिया जाए। अगर सरकार का समर्थन ना मिले तो इन संपादकों के चाल में लोग रवानगी नजर नहीं आएगा। थोड़े बहुत तेवर इसलिए बचे हैं कि प्राइम मिनिस्टर टैग कर देते हैं, वरना जनता को पता है ये लोग टैग हो चुके हैं। साल साल हो जाता है इन चैनलों पर, इन अखबारों से एक ढंग का क्वेश्चन नहीं होता है गवर्नमेंट, साल साल हो जाता है। और उसके हम एक निष्क्रिय ग्राहक बनते चले जा रहे हैं। तभी कहता हूं कि ढाई महीने चैनल मत देखिए। जब उसमें सूचना नहीं है, उसमें पत्रकारिता नहीं है, तो पत्रकारिता समझ के क्यों पैसे देने, क्यों वक्त देना है? उसमें साहस नहीं है कुछ नहीं तो मंत्री जी आपके कॉन्क्लेव में नहीं आएंगे। पत्रकारों के ट्वीट मॉनिटर किए जा रहे हैं, बताया जाता है कि आप सरकार विरोधी क्यों लिख रहे हैं। पता तो कीजिए, आप सबके पत्रकार मित्र हैं, पता तो कीजिए क्या क्या हो रहा है, किस किस तरह के निर्देश आ रहे हैं। वो नहीं लिख सकते, आप उनसे पूछ के आप लिख दीजिए। कम से कम समाज को हम बता तो दें कि क्या हुआ है, किस
तरह का मीडिया का ढांचा ध्वस्त किया गया है और इस ध्वस्त ढांचे में हमारे प्रधानमंत्री टैग करते हैं कि मतदाताओं को जागरूक कीजिए। अब यही सवाल मतदाता से भी पूछेंगे कि भाई मतदाता मेरे, इतनी फकीरी तुमने कहां से आती है?